दिल्ली के धुरंधरों को आईपीएल के 15वें सीजन में मिली थी बढ़िया शुरुआत, जहां पे मुंबई इंडियंस के सामने पहले तो जीत मिल जाती है, लेकिन उसके अगले दोनों मुकाबलों में मिली है हार। पहले हराया गुजरात ने और आज लखनऊ ने बेहद आसानी से हरा दिया है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। क्या कहा है इस हार के बाद ऋषभ पंत ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। जी हाँ, क्रिकेट इन इंडिया का यूट्यूब पेज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ लक्षित। आज पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने बनाए थे 149 रन्स और बेहद आसानी से लखनऊ सुपर जायंट्स ने 6 विकेट्स के साथ ही आयुष बदोनी के एक बढ़िया छक्के और चौके के चलते जीत लिया था उस मुकाबले को बेहद आसानी से, और दिल्ली कैपिटल्स के हाथों में थमाई है दूसरी हार। इसमें शामिल थी 80 रनों की क्विंटन डिकॉक की एक मैन ऑफ द मैच की पारी भी। पहले सुनिए क्या कहा है ऋषभ पंत ने इस मिली हार के बाद। जब होस ऐसी होती है तो आप शिकायत नहीं कर सकते। बल्लेबाजी इकाई के रूप में हम 10-15 रन कम थे। अंत में आवेश खान और जेसन होल्डर ने वापस खींच लिया, इसका श्रेय उन्हें जाता है। जब उनसे बात की गई कि दूसरी पारी से पहले टीम से उनकी बातचीत पर, तो उन्होंने कहा हम 40वें ओवर की आखिरी गेंद तक अपना 100% देने की बात कर रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए। पावर प्ले ठीक था, हमें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन स्पिन आक्रमण ने बीच के ओवर्स में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अंततः हम 10-15 रन कम ही रह गए। जैसा कि ऋषभ पंत ने यहाँ पे साफ साफ बयान किया कि आज ड्यू उतनी ज़्यादा नहीं थी, 15-20 रन वो लोग शॉर्ट भी थे, लेकिन सबसे बड़ी बात एक यही रहेगी यहाँ पे कि ऋषभ पंत का बल्ला खुद बहुत धीमा बोल रहा था। जहाँ 36 गेंदों में उन्होंने मात्र 39 रन बनाए थे, उम्मीद होती है कि जब ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी अगर 36 गेंदें खेल रहा है तो ये उम्मीदें जताई जाती हैं कि कम से कम 60-70 रन तो वो लगाएंगे ही, लेकिन कुछ रन बॉल के आसपास ही खेले हैं आज ऋषभ पंत। साथ ही में ऋषभ पंत ने ये भी दिखाया कि एक डिटर्मिनेशन स्किल है जो उनके अंदर मौजूद है, जहां उन्होंने पहले 20 ओवर्स के बाद यही अपनी टीम को कहा कि हम आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे, और एक वैसा ही जज्बा हमें देखने को मिला जहां मात्र 150 रन हालांकि डिफेंड करने थे, लेकिन फिर भी वो मुकाबले को आखिरी ओवर तक लेके गए। जाते जाते ऋषभ पंत ने अपने स्पिन गेंदबाजों की तारीफ की, जहां हमने देखा आज भला वो कुलदीप यादव हो, ललित यादव हो या फिर अक्षर पटेल हो, तीनों ने ही एक किफ़ायती गेंदबाजी की, इसके चलते शायद हमें एक रोमांच भरा मुकाबला देखने को मिला। अब देखना होगा जब इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स खेलेंगे एतवार को तो क्या उन्हें मिलती है जीत या मिलती है हार, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स को अगर यहाँ से हार मिलेगी तो आने वाले समय में इनका नेट रन रेट भी खराब हो जाएगा और पॉइंट टेबल में भी आगे बढ़ते हुए दिक्कत हो जाएगी। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि बतौर कप्तान ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस आपको किस तरह की लग रही है, और सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट इन इंडिया के यूट्यूब चैनल को जानने के लिए आईपीएल और क्रिकेट से जुड़ी हर एक ताज़ा अपडेट।